प्रज्ञा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमान बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? लिंग। इसकी क्या परिभाषा होती है? संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा होती है? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं। यदि बच्चे इनके नियमों को सीख लेंगे तो उनके लिए लिंग परिवर्तित करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लिंग परिवर्तित के एक एक नियम को समझेंगे ताकि आपके लिए लिंग परिवर्तित करना आसान हो जाएगा और आप परीक्षा में अधिकतम अंक उठा सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब हम लिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को समझेंगे। अक को इकार प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन, यानी इकार प्रत्यय लगाकर हम कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं वो देखते हैं। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। क्या बन जाएगा? अध्यापिका। इका प्रत्यय लगा दिया। धावक का क्या हो जाएगा? धावक यानी दौड़ने वाले को कहा जाता है धाविका। परिचारक, परिचारिका। नर्स को बोला जाता है परिचारिका। क्या बोला जाता है नर्स को हिंदी में? परिचारिका। सेवक, सेवक यानी नौकर, सेविका। लेखक को क्या बोलते हैं? राइटर, लेखिका। इका प्रत्यय लगाया है हमने, लेखिका। गायक का क्या होगा? गायिका। क्या होगा गायक का? गायिका। अगला क्या है हमारा? नायक। नायक यानी हीरो। हीरोइन को क्या कहते हैं? नायिका। इसका प्रत्यय लगेगा। शिक्षक का? शिक्षिका। क्या होगा? शिक्षिका। पाठक का क्या होगा? पाठिका। लेखक का? लेखिका। माँ देवी वर्मा जो है वो एक लेखिका है। बालक का? बालिका। बालक और बालिका देश का भविष्य होती है। याचक का? याचक यानी मांगने वाला, याचिका। चालक, चालक यानी ड्राइवर, चालिका। सुधारक का क्या होगा? सुधारिका। दर्शक का क्या होगा? दर्शिका। संचालक का क्या होगा? संचालिका। नाटक का क्या होगा? नाटिका। बाल दिवस पर हमारे स्कूल में एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की गई। तो इस प्रकार से आप इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। आपको लिंग को रटना नहीं है, आपको उनके नियम को भली भांति समझना है और आपके लिए फिर लिंग बहुत आसान हो जाएंगे। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए लिंग उतने ही आसान हो जाएंगे। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे लिख के भेजिए, मैं उन पर यथासंभव वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।